राम राम, जय हिंद। कभी सोचा है लोगों के एक एग्ज़ाम नहीं निकलते हैं, 6-6 साल तक वो लगे पड़े हैं, एक एग्ज़ाम नहीं निकलता है, और कुछ लोग लगातार इतने एग्ज़ाम लाइन से निकालते चले जा रहे हैं एग्ज़ाम। कभी समझने की कोशिश की है क्यों हो रहा है, इसके पीछे क्या लॉजिक है, क्या रीजनिंग है, क्या कभी कुछ कुछ फील किया है? हम समझाते हैं यहाँ पे होता क्या है। देखो, एग्ज़ाम कब निकलता है, पहली चीज़ ये समझो कि एग्ज़ाम निकलता कब है। एग्ज़ाम तब निकलता है जो हम उस एग्ज़ाम को समझते हैं। एग्ज़ाम तब नहीं निकलता जब हम पढ़ाई कर रहे होते हैं, हमारी पढ़ाई पूरी हो चुकी, तैयारी पूरी हो चुकी, नहीं, ये एग्ज़ाम का पैटर्न है ही नहीं। एग्ज़ाम ये तब निकलता है जब हमें पता चल चुका होता है कि इस एग्ज़ाम में क्वेश्चन किस तरीके से आ रहे हैं, इस क्वेश्चन का मतलब इस एग्ज़ाम के पैटर्न किस तरफ से किस तरीके से डिसाइड किए जाते हैं। जब हमें इस चीज़ के बारे में नॉलेज हो जाएगी तब हमारा एग्ज़ाम निकलता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है कि कई बार तुमने देखा होगा लोगों के, हमने भी देखे हैं कई बार, कि 3-4 साल वो किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, कौ कॉन्स्टेबल का एग्ज़ाम हो, और 4 साल उनका वो एग्ज़ाम नहीं निकलता है, ठीक है। 5वें साल वो ऐसा ताबड़तोड़ एग्ज़ाम निकालते हैं कि कॉन्स्टेबल भी निकलेगा, सब इंस्पेक्टर भी निकलेगा, और कई लोग तो DSP भी बन जाते हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? जो कॉन्स्टेबल की जिसकी औकात थी वो DSP बना बैठा है, ऐसा क्यों हो रहा है? उसके पीछे रीज़न इतना है कि उसने जो इतने साल दे दिए तैयारी में, और इतनी तैयारी के बाद उसको एक चीज़ समझ में आ गई कि बहुत कुछ पढ़ने से सिलेक्शन नहीं होगा, हमें कम पढ़ना पड़ेगा। ज़्यादा पढ़ने सेलेक्ट कभी कोई हुए ही नहीं है, हमें कम पढ़ना पड़ेगा, और कम में हमें पढ़ना क्या है इसके ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। बस उसने वही देख लिया कि हमें कितनी चीज़ें पढ़नी। अगर सिलेबस में 10 चीज़ें दी है ना, उसमें 7 ही तुम्हारे काम किए हैं, 3 एक्स्ट्रा लिखी हैं, और 3 वो एक्स्ट्रा करने के लिए लोग 3-3 महीने लगा देते हैं। तो जिसके भी लगातार 1 एग्ज़ाम 2 एग्ज़ाम 6 एग्ज़ाम निकल रहे हैं, उसके पीछे रीज़न इतना है कि उसने दिमाग पढ़ लिया है एग्जामिनर का। क्योंकि क्या होता है कि एक बार तुमने कभी भी देखा है कोहली जब खेलते हैं भाई साहब, और शुरुआत में उनके बैट में बॉल नहीं आती है, चीज़ें नहीं आती हैं, लेकिन एक बार जब उनको सही स्पॉट में गेंद मिलना चालू हो जाती है, उनके रडार में आ जाता है गेम, तो यकीन मानो उस गेम को पूरा चेंज कर देते हैं। हर एक बॉल पे छक्का, चौका, डबल, ट्रिपल चालू हो जाता है उनका। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि उस बॉलर की वो लाइन लेंथ समझ चुके हैं कि ये कहाँ पे फेंकेगा, और उस बॉलर को भूत बना देते हैं, और उस बॉलर के साथ साथ बाकी के भी धुने जाते हैं। तो बस यही बॉलर, जो एक बॉलर है वो तुम्हारा एक एग्ज़ाम है, जो बाकी के बॉलर हैं वो तुम्हारे सारे एग्ज़ाम है। तो एक बार तुम पेपर की लाइन लेंथ समझ गए कि किस लाइन लेंथ से एग्ज़ाम फेंके जा रहे हैं और किस लाइन लेंथ के साथ पैटर्न फेंके जा रहे हैं, उसके बाद तुम्हारा कोई भी एग्ज़ाम क्रैक करना मुश्किल नहीं है। और इसीलिए यही रीज़न है कि लोग एक एग्ज़ाम जब निकालने बैठते हैं तो वो 10-10 एग्ज़ाम निकाल देते हैं। और इसका रीज़न इतना सा ही है कि तुम्हें 3 साल उसने एग्ज़ाम को समझा है। तो अगर तुम ये सोच रहे हो कि तुमने आज ही तैयारी चालू की है और आज से तुम लगातार जितने एग्ज़ाम आएंगे सब निकाल दोगे, तो ये तुम्हारे बस की बात है नहीं, तुम्हारे बस की बात नहीं है। तो इस वजह से हम ये कह रहे हैं कि अगर तुम फेल हो रहे हो, बिल्कुल भी इस चीज़ को फेलियर के तरीके मत लो, इस चीज़ को इस तरीके से लो कि हमें ये तैयारी हो रही है कि हमें किस तरीके से आगे के एग्ज़ाम देने हैं। और यकीन मानो तुम लोग भी एक एग्ज़ाम की जगह 10-10 एग्ज़ाम आराम से क्रैक कर ले जाओगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन उसके लिए पहले तुम्हें अपना बेस बनाना पड़ेगा, पहले तुम्हें समझना पड़ेगा पैटर्न सिलेबस होता क्या है, ठीक है। राम राम, जय हिंद।